पुलिस ने 3 वारंटियों को भेजा जेल। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं में अपराधियों पर लगाम लगाने और अपराध नियंत्रण के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत खडीमा पुलिस ने आज लंबे समय से फरार चल रहे 3 अपराधियों गुरविंदर सिंह और विक्की सोनकर और अनमोल सोनकर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी खडीमा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं खडीमा पुलिस को मिली इस सफलता पर खडीमा कोतवाली के SSI अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि खडीमा कोतवाली क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए खडीमा पुलिस द्वारा कुछ समय से ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जिसके तहत खडीमा क्षेत्र के अपराधी जो फरार चल रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपराधिक मामलों में वांछित और लंबे समय से फरार चल रहे 3 अपराधियों गुरविंदर सिंह, विक्की सोनकर और अनमोल सोनकर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए तीनों अपराधियों के खिलाफ काफी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया है। ये वारंटियों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है। उसी अभियान के तहत आज चौकी बाजार और मझुला चौकी द्वारा वारंटी गुरविंदर सिंह, विक्की सोनकर और अनमोल सोनकर को गिरफ्तार किया गया है और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।